गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआईटी यूट्यूब चैनल। बीकॉम सेकंड ईयर का आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वो मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे कि आपके उस सिलेबस में आपको आना क्या क्या है, ताकि हम आगे अपनी यूनिट को कंटिन्यू कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा इंट्रोडक्शन की एंटरप्रेन्योर्स होते क्या है, उसकी डेफिनेशन, इमर्जेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल क्लास की कैसे वो स्टार्ट हुई, कैसे उसकी इमर्जेंस आई, फिर है थियोरी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की क्या थियरीज हैं, कौन कौन सी यूज होती है एंटरप्रेन्योरशिप, अगर कोई एंटरप्रेन्योर बन रहा है तो कौन कौन सी थियरीज यूज होती है उसके अंदर, रोल ऑफ सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट की सोशल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का क्या रोल है एंटरप्रेन्योर को बनाने में, फिर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, लीडरशिप, रिस्क टेकिंग, रिस्क डिसीजन मेकिंग एंड बिजनेस प्लान। ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारे टॉपिक्स हम अपनी फर्स्ट यूनिट में करेंगे। तो ये सारा हमें ये कवर करना है फर्स्ट यूनिट में। यूनिट टू में हमारा आएगा प्रमोशन ऑफ अ वेंचर, की अगर आप एक एंटरप्रेन्योर को आपके अपने वेंचर जो आपका बिजनेस है उसकी प्रमोशन कैसे करनी है, क्या कौन कौन सी टेक्निक यूज करनी है, स्ट्रेटेजीज यूज करनी है, वो सारा हम यूनिट टू में करेंगे। देन हमारा इसके है अपॉर्चुनिटीज एनालिसिस की क्या हमारी अपॉर्चुनिटीज हमारे सामने आएंगी जिन्हें हमें प्रॉपरली एनालाइज करना है कि किस तरीके से हम आगे ग्रोथ कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल एनवायरमेंट एनालिसिस, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेटिव फैक्टर्स, ये सारे कॉन्सेप्ट हम करेंगे कि एक्सटर्नल एनवायरमेंट में कौन कौन से हमारे फैक्टर्स हैं उनको प्रॉपरली एनालाइज करना, ताकि हमारे बिजनेस के लिए, हमारे वेंचर के लिए वो बेनिफिशियल हो सके। और इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल या कॉम्पिटेटिव फैक्टर्स जो है उनके बारे में प्रॉपरली स्टडी करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे बिजनेस को, हमारे वेंचर को अफेक्ट करते हैं। फिर है लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू यूनिट, कि अगर हम कोई न्यू यूनिट एस्टैब्लिश कर रहे हैं, नया बिजनेस अपना बना रहे हैं, तो उसके लिए कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट्स है जो हमें फुलफिल करनी है। फिर है वेंचर कैपिटल सोर्सेज एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, कि हमें किस तरीके से अपने फंड्स को रेज कर सकते हैं, कौन कितनी वेंचर कैपिटल सोर्सेज हमारे हैं, कौन कौन से सोर्सेज है जहां से हम अपने वेंचर कैपिटल, कोई भी बिजनेस है वो कैपिटल से ही स्टार्ट होता है, इनिशिएट होता है, तो उसके मेन सोर्सेज क्या है, कहां से हम अपने बिजनेस के लिए कैपिटल लेके आ सकते हैं अपने वेंचर के लिए, और कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड है, कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को हमें सबमिट करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें बनाने हैं अपने वेंचर को एस्टैब्लिश करने के लिए। फिर हमारा यूनिट थर्ड के अंदर टॉपिक है एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर, कि किस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर का बिहेवियर होता है, किस तरीके से उसने एक एनवायरमेंट में, एक बिजनेस एनवायरमेंट में बिहेव करना है, लोगों के साथ डील करना है। उसमें है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योर, कि एंटरप्रेन्योर तभी सक्सेसफुल होगा जब वो इनोवेट करेगा, नई नई चीजों की इन्वेंशन करेगा, इनोवेशन लेके आएगा अपनी टेक्नोलॉजी में, अपने फील्ड में, जो भी वो सर्विस दे रहा है, जो भी मतलब कुछ भी कर रहा है, वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें अगर कोई नयापन नहीं होगा, कोई इनोवेशन नहीं होगी, तब तक वो सक्सेसफुल नहीं होगा। तो एक एंटरप्रेन्योर इनोवेशन का क्या रिलेशन है, आपस में कैसे उसे नई नई चीजें को इनोवेट करना है, ये सारा हम स्टडी करेंगे। देन है एंटरप्रेन्योरियल बिहेवियर एंड साइको थ्योरीज, की साइकोलॉजिकल थ्योरीज जो होती है वो सारी हम स्टडी करेंगे, कौन सी मोटिवेशनल थ्योरी होंगी या लीडरशिप थ्योरीज होंगी, वो सारा हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, उसका बिहेवियर कैसा होगा अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने शेयर होल्डर्स के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ, ये सारा हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। फिर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, की एक एंटरप्रेन्योर की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ हमें अपने प्रॉफिट के लिए नहीं काम कर रहा, वो सोसाइटी के लिए भी काम कर रहा है, क्योंकि सोसाइटी को ही वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे कि वो पॉल्यूशन ना क्रिएट करे, किसी को वो हार्म ना पहुंचाए, किसी की फीलिंग्स को या सेंटिमेंट्स को वो हार्म ना पहुंचाए, ये सारे जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एनवायरमेंट को भी क्लीन रखे और साथ ही साथ उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करे अपनी सोसाइटी को, उसकी सोसाइटी को किसी तरीके का नुकसान ना हो, जो हमारे कस्टमर्स है वो हमारी सोसाइटी में से ही आते हैं। तो उसके बाद यूनिट फोर हमारी आ गई, जिसके अंदर हमने ईडीपी के बारे में पढ़ना है, यानी एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, की क्या कैसे कैसे वो डेवलप होगा, ये सारे प्रोग्राम्स हम स्टडी कर रहे हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ईडीपी की, ईडीपी होता क्या है, उसका रोल क्या है, रेलिवेंस क्या है, एंड अचीवमेंट्स की कौन कौन सी अचीवमेंट्स होगी डेवलपमेंट के लिए, क्या क्या अचीवमेंट की रिक्वायरमेंट है, जैसे जैसे वो अचीव करता रहेगा उन जो टारगेट्स है, प्रॉपर टारगेट्स
जैसे वैसे वैसे ही वो ग्रोथ करता रहेगा अपने बिजनेस में। फिर है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ऑर्गेनाइजिंग EDPs, कि गवर्नमेंट का क्या रोल है। अगर EDP हमने कोई मतलब बनानी है, डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाना है, तो उसका गवर्नमेंट का क्या रोल है, वो सारा स्टडी करेंगे। क्योंकि जो भी लीगल लीगैलिटीज होती है जितनी भी, वो गवर्नमेंट की जो रूल्स है, लॉज है, वो सारे गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली सेट होते हैं, हमें उन्हें फॉलो करना होता है। फिर हमारा नेक्स्ट इज द लास्ट टॉपिक है यूनिट 4 का, क्रिटिकल इवैल्यूएशन, कि किस तरीके से हम उसे क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है सही है या नहीं है, हमारे वेंचर को आगे लेकर जाएगा, ग्रोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा या नहीं होगा। ये सारा हमने क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को, दोनों को स्टडी करना है कि कौन से हमारे हमें कौन से पॉजिटिव है, क्या हमें उसकी मैरिट्स है और क्या डिमेरिट्स है, तो प्रॉपरली हमें उसे क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है। फिर लास्ट हमारे यूनिट है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर की, इसके अंदर हम रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर करेंगे कि क्या उसका रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ एज एन इनोवेटर। कि अगर हम ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें अपनी, इंडियन इकोनॉमी की या जो भी आप जिस भी कंट्री से रिलेट करते हो उसकी इकोनॉमी की बात करें, तो उसकी ग्रोथ में एक एंटरप्रेन्योर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, क्या योगदान है, ये सारा हम उसके स्टडी करेंगे। एज एन इनोवेटर की क्या वो नई चीजें लेके आए हैं, क्योंकि बिजनेस को आजकल हर कोई सेटअप कर रहा है, आप क्या नया लेके आ रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके साथ जुड़े, ये सारी चीजें एक इनोवेटर ही लेके आ सकते हैं। नई चीजें, नयापन एक बिजनेस में जो हमेशा एक कस्टमर डिमांड करते हैं। तो इस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ भी होते हैं कि आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। फिर इसके अंदर है हमारा जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, की अगर आप कोई नया बिजनेस एस्टैब्लिश करते हो, साथ ही साथ आप एक एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हो, कि नए जो आप नए लोगों को अपने पास हायर करते हो, अपने अंडर काम पर लगाते हो, तो आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट करते हो। फिर है कॉम्प्लीमेंटिंग एंड सप्लीमेंटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, कि आप कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हो और सप्लीमेंट भी कर रहे हो इकोनॉमिक ग्रोथ को, ये टॉपिक भी हम करेंगे। फिर है ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, कि हमारी एक स्टेबिलिटी आएगी जो रीजनल डेवलपमेंट है उसकी ओर ध्यान जाएगा, कि एक पर्टिकुलर किसी सेक्टर में ना होकर ओवरऑल कैसे हमारा सही तरीके से डेवलपमेंट होती रहेगी, ये सारा हम स्टडी करेंगे कैसे डेवलप होगी। फिर है रोल इन एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट मीन्स हम अपने कंट्री का जो गुड्स है या सर्विसेज है वो बाहर कंट्री को प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड इम्पोर्ट मीन्स हम वहां से लेकर आ रहे हैं। तो हमारा मेन एंटरप्रेन्योर का क्या मोटिव होगा या उसका क्या रोल है कि एक्सपोर्ट को हम प्रमोट कर रहे हैं, कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने कस्टमर अपने कंपनी या अपने कंट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें दूसरी कंट्री में सेल आउट करें, ताकि हमें फॉरेन इनकम भी मिले और हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन मिले। और इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन मीन्स कि हम बाहर से जो सामान मंगवा रहे हैं, अगर हम अपने कंट्री में ही बनाना शुरू कर दें तो हमें वो इतनी हाईवे जो एक्साइज ड्यूटीज हैं या जो भी उनके हायर रेट्स होते हैं वो उन्हें ना देने पड़े। तो इस तरीके से ये दोनों को भी सोचना, ये एक एंटरप्रेन्योर का भी काम होता है कि वो उस फील्ड में ज्यादा काम करे जहां पर उसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है। फिर हमारा नेक्स्ट है इसके अंदर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, की अगर हम फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पर फॉरेक्स मीन्स फॉरेन एक्सचेंज, उसकी शॉर्ट फॉर्म दी हुई है। फॉरेक्स अर्निंग मीन्स फॉरेन एक्सचेंज में कैसे हम अर्निंग कर सकते हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, कौन कौन से रूल्स हैं जिन्हें हम फॉलो करके अर्न भी कर सकते हैं और अपनी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में कॉन्ट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं। फिर है एंड ऑगमेंटिंग एंड मीटिंग लोकल डिमांड, कि अगर हम लोकल डिमांड को भी मीट कर रहे हैं, कि हम अपने कंट्री में भी सप्लाई कर रहे हैं, साथ साथ हम बाहर भी सप्लाई कर रहे हैं उस गुड्स की, उस अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ये सारा हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। तो ये हमारी फुल सिलेबस है जो हमने अपने इस ईयर में कवर करना है। तो इसके बारे में हम प्रॉपरली अब यूनिट वाइज हम एक एक टॉपिक को स्टडी करेंगे। अगर जिसमें भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप साथ के साथ उसे अपनी वीडियो जरूर देखिए, उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए। आपकी अगर क्लासेस भी स्टार्ट हो जाती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉलेज में आकर भी उसमें उसे क्लियर करवा सकते हैं, अगर आप साथ साथ उसे पढ़ते रहते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूनिट वन में आज से इसका मीनिंग करेंगे कि एंटरप्रेन्योर होता कहाँ है, कहाँ से वर्ड डिराइव हुआ, क्योंकि अगर कोई भी सब्जेक्ट है उसका हमें बेसिक पता चल जाएगा कि आखिर हम किस चीज के बारे में, किस मोटिव हमारा क्या है स्टडी का, तभी हम आगे कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो आज हम जस्ट एक थॉरो उसका करेंगे कि व्हाट इज एंटरप्रेन्योर। तो यूनिट वन में
हमारा जैसे फर्स्ट टॉपिक था कि एंटरप्रेन्योर जो हमने डिफाइन कर रहे हैं कि क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, ये सब हमने हम आज डिस्कस करें। तो द वर्ड एंटरप्रेन्योर इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ब एंटरप्रेन्योर व्हिच मींस टू अंडरटेक, इट मींस ये एक फ्रेंच वर्ब से लिया गया है, वर्ड नहीं, इट्स अ वर्ब। कि जैसे हमारे वर्ब होते हैं राइज, ईट, ये सारे हमारे वर्ब्स हैं। जैसे अगर हम हिंदी में से बोले तो क्रिया होती है कोई ऐसा वर्ड जिससे किसी काम के करने का पता चले। इसी तरीके से एंटरप्रेन्योर वर्ड्स जो हमारा फ्रेंच वर्ड एंटरप्रेन्योर से लिया गया है उसका मीन है जो एक वर्ब की तरह यूज हो रहा है, टू अंडरटेक मीन्स किसी काम को करना, किसी काम के अपने आप को इनिशिएट करना कि किसी तरीके से हम उस काम को करवा सके, टू अंडरटेक। This refers to those who undertake the risk of new enterprises. की means जो risk लेते हैं new enterprises को, उसका मतलब who undertake the risk of, जो उन्होंने नया risk लिया है अपनी नई enterprises को establish करने का, तो वो मतलब entrepreneur बोलते हैं, entrepreneur. An enterprise is created by an entrepreneur. The process of creation is called entrepreneurship. जो हम process होता है जिसके थ्रू हम प्रॉपरली एक क्रिएट करते हैं एंटरप्रेन्योर को या एंटरप्राइज को जो हम क्रिएट करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। जिसका मीनिंग अगर हम ले तो एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ एक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर हु इज अ पर्सन ऑलवेज इन सर्च ऑफ समथिंग न्यू एंड एक्सप्लॉइट्स सच आइडियाज इनटू गेनफुल अपॉर्चुनिटीज बाय एक्सेप्टिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन विद द एंटरप्राइज। मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप क्या होगा, एक प्रोसेस ऑफ एक्शन है जहां पर एक एंटरप्रेन्योर नए, जिसका मेन मोटिव क्या होता है, नए नए आइडियाज, नए नए फील्ड में डिस्कवर करना, नई नई चीजों को रिस्क लेना, हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढना, ऑलवेज इन सर्च ऑफ समथिंग न्यू एंड एक्सप्लॉइट सच आइडियाज टू गेनफुल अपॉर्चुनिटीज। और जो आइडियाज, जो नए नए उसने आइडियाज सोचे हैं उसे गेनफुल यानी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना कि हम किस तरीके से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं, कौन सी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी सबसे बेनिफिशियल रहेगी बाय एक्सेप्टिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटी विद द एंटरप्राइज। कि हम रिस्क को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमें नहीं पता जो हमारा आइडिया है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इतना बड़ा रिस्क लेना और उसे अनसर्टेनिटी मतलब एंटरप्राइज के साथ रहना कि क्या पता नहीं ये काम आगे बढ़ेगा, ये एंटरप्राइज आगे बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, फिर भी वो रिस्क लेकर काम करना, वो हमारा एंटरप्रेन्योरशिप की पूरा एक प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, अ स्टार्टअप कंपनी और अदर ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक नई बिजनेस को स्टार्ट करना, नई एंटरप्राइज को स्टार्ट करना, रिस्क लेकर एक कंपनी को स्टार्ट करना। एंटरप्रेन्योरशिप का जब भी वर्ड आएगा तो हमेशा वो रिस्क के साथ एसोसिएटेड होगा कि हमने रिस्क लेना है क्योंकि कुछ नया क्रिएट करना है। सिंपल वर्ड्स में एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, टेकिंग अ रिस्क टू कन्वर्ट इट इनटू गेनफुल अपॉर्चुनिटीज। एंटरप्रेन्योरशिप हमारा क्या है कि नए नए आइडियाज रिस्क लेना जिसे हम गेनफुल अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट कर सकते। फिर है द एंटरप्रेन्योर डेवलप्स अ बिजनेस प्लान, एक्वायर्स द ह्यूमन एंड अदर रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एंड इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सक्सेस और फेलियर। कि जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो हमारा हेड ऑफ बिजनेस होता है, जिसने हमारा एक एंटरप्राइज को एस्टैब्लिश किया है, उसका मेन काम क्या होता है कि एक बिजनेस प्लान को डेवलप करना, ह्यूमन कैपिटल को एक्वायर करना और प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि वो सक्सेस होगा या फेलियर होगा। ये नहीं कि बस आपने एक्वायर कर लिया है, एक्सेस कर लिया है ह्यूमन कैपिटल को, लेकिन उसने कोई जवाबदेही नहीं देने कि मुझे नहीं पता इनका काम है ये जब, ऐसा नहीं है। पूरा उसके सक्सेस का, उसके फेलियर का भी पूरी अपने सिर पर उसका लेना कि हाँ कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ इस चीज के लिए, तो वो हमारा एक एंटरप्रेन्योर होता है। एंटरप्रेन्योरशिप ऑपरेट्स विद इन एन एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम। की जो हमारा एंटरप्राइज का जो इकोसिस्टम होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का इकोसिस्टम होता है, उसी के अंदर हमारा जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा चलता है। अगर हम डेफिनेशन लें तो अकॉर्डिंग टू AH कोड, जो हमारी डेफिनेशन है ये, क्योंकि हमारा क्रिटिकल सब्जेक्ट है इसमें हमें डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, तो इसमें हम लिखेंगे और एंटरप्रेन्योरशिप इज द पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल। मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, पर्पसफुल एक्टिविटी, हमने किसी मोटिव के साथ ही कोई काम कर रहे हैं
ऑफ एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंडिविजुअल, या तो कोई एक इंडिविजुअल है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है. अंडरटेक टू इनिशिएट, मेंटेन और एग्रीगाइज प्रॉफिट बाय प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज. कि हम अंडरटेक टू इनिशिएट की मीन्स जो अंडरटेक कर रहे हैं, जो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, कोई नया इनिशिएट मीन्स कुछ नया लाने के लिए, मेंटेन करने के लिए और प्रॉफिट्स को एग्रीगेट करने के लिए, मीन्स उसे बढ़ाने के लिए बाय प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स की और सर्विसेज की. अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हम अपने प्रॉपरली इकोनॉमिक गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो ये हमारी डेफिनेशन दी हुई है अकॉर्डिंग टू AH कोड. क्या है एंटरप्रेन्योरशिप? इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अंडरटेक टू इनिशिएट, मेंटेन और एग्रीगाइज प्रॉफिट बाय प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज. आपको ऐसे ही इसे लर्न करना है. अगर आप इसे इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखोगे तो आप ऐसे के ऐसे लर्न करोगे. अगर आपको इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं लिखना है तो आप इसमें एक अलग वर्ड चेंज कर सकते हो, लेकिन आपको मेन तक जो मीनिंग है वो क्लियर होना जरूरी है. तो आज हम बस इतना ही करेंगे कि आपको बस मैंने एक मीनिंग बता दिया है कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या है. आप इसे एक बार पढ़िए, समझिए कि क्या चीज है और नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने यूनिट 1 को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम इसके फीचर्स या बाकी जो भी हमारे सिलेबस का कंटेंट है वो सारा कवर करेंगे. तो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.